अब ये बूढ़ी कमर मेरी ज्यादा नहीं सह सकती बिटिया। धैर्य रखो मौसी। सो जा। कैसी हो मौसी? कैसा है छोटू? ठीक है, सो रहा है। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। आपके जैसा ही दिखता है गोरा। मेरे जैसा दिखता है? आपकी बुढ़ापे का सहारा। मेरे बुढ़ापे का सहारा। ईश्वर कितना महान है ना मरिया, है ना? बुढ़ापे का सहारा है। ले 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 ले। छोटू यह है। मरिया बेटी। हाँ मौसी। इतने दिन कैसे निकल गए इसका मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मौसी, मुझे भी छोटू युहन की बहुत याद आएगी। मौसी, मैं योसेफ को क्या कहूंगी? तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा मरिया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। डरो मत मेरी बच्ची, जिस ईश्वर ने तुम्हें चुना है वो सब संभाल लेगा, तुम्हें सारी मुसीबतों से बचाएगा, वही हमारी आशा है ना? छू जा योहन। जोर से खींचो। ओहो ओहो, यूसुफ यहाँ क्या काम में सर खपा रहे हो? वहाँ जाकर देखो, मरिया आई है। क्या? सच? फिर? अभी आई? भैया की खुशी तो देखो, भाभी आई है। और क्या, और क्या? देखो तो सही। योसेफ, खुशखबरी के इंतजार में। ये क्या? मरिया को गर्भवती देखते ही यूसुफ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सारे सपने टूट गए। क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अभी तो खुशी से उछल रहे थे, ना जाने क्या हुआ। चलो पूछते हैं, चलो। क्या हुआ भैया, परेशान हो? पता नहीं। देखते ही देखते अफवाह फैलने लगी। यूं भी कानाफूसी करने वाले दुनिया में कम नहीं है, कल भी और आज भी। अरे ओ स्नेहा, कुछ सुना? ये आजकल की छोरियां न जाने कहां कहां जाती हैं। हौरे, ये भोली सूरत और काम मुंह काला कराने का। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था ये छोरी बहुत तेज है, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है रे। बिल्कुल सही, बोले कुछ निकारे कुछ। हाँ, क्या जमाना आ गया है।
तो इतनी मासूम है, वो ये सब कैसे सहेगी? मैं तो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन क्यों? लोग उसे पत्थरों से मारेंगे, एक तरफ मेरे मान सम्मान का प्रश्न है, और दूसरी तरफ मेरी मासूम मरिया। मेरा मन अब भी उसे निष्कलंक समझ रहा है। मेरी मरिया, प्रभु तू ही बताओ मैं क्या करूं। मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा और कहीं चला जाऊंगा, हे यूसुफ, मरिया को अपनाने में किसी प्रकार का संकोच मत करो। मरिया को जो सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो गया है वह पवित्र आत्मा से ही मिला है। वह पुत्रवती होगी और तुम बालक का नाम येसु रखना, क्योंकि वो मानव जाति को पापों के भार से मुक्त करेगा। तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुम ईश्वर द्वारा उस दिव्य बालक के पिता के रूप में चुने गए हो यूसुफ। ये क्या? जाओ, मरिया को अपने यहां ले आओ। बेटी बेटी जरा संभाल के। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। ये फूल मरिया, मुझे क्षमा कर दो। देवदूत ने मुझे सब बता दिया है। मामूली गावड़ा हूं ना, पर अब मैं सब जानता हूं। बेटा, मैं जानती थी प्रभु सब कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं जानती थी बेटा, मैं जानती थी। मैंने थोड़ी जल्दबाजी की ना। मेरा ईश्वर महान है। हम अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे। हाँ बेटा। माँ, मुझे क्षमा कर दो। आप खुश हैं ना? बहुत। Thank you.
गीतों के सरगम मेरे जीवन की खुशबू मेरे सपने मेरे अपने है मेरे हम सफर है मेरे हम सफर मेरे गीतों के सरगम दी तुझको रब ने जो जिंदगी दी सौंप दी तुझको तेरी खातिर है जीना हर एक पल मुझको तेरी खातिर है जीना हर एक पल मुझको हर एक पल मुझको हर एक पल मुझको मेरे गीतों के सरगम मेरे जीवन की खुशबू मेरे सपने मेरे अपने है मेरे हम सफर है मेरे हम सफर भाई हमारा जीवन ये मवेशी चराते चराते और पहाड़ों पे भटकते भटकते बीत जाएगा क्या हमारा भी कोई मसीहा आएगा आना ही पड़ेगा क्या पता क्या आप लोगों ने कोई आवाज सुनी हाँ हाँ अरे अरे देखो तारा किधर अरे अरे वो कितना पास है कहाँ कहाँ हाँ कितना पास है ये देखो उसकी चमक अरे अरे मार दिया ये तो उसी ओर जा रहा है चलो आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं अरे नहीं नहीं संयम के साथ और आगे जा अरे मत जाओ वहाँ पास जाके देखते हैं वो क्या है मैं कह रहा हूँ मत जाओ वहाँ ऐसी अनोखी घटना तो पहले कभी नहीं हुई होगी डरिए नहीं देखिए मैं आपको बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ आज आपके नगर में मुक्तिदाता मसीहा का जन्म हुआ है आप लोगों के लिए यह पहचान होगी आप एक बालक को कपड़ों में लिपटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे अद्भुत कहाँ गया चलो 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 उसके पीछे चले कहाँ गया चलो चलो आवा देखो देखो वो तारा यहीं रुक गया देखो गौशाले के अंदर कुछ लोग हैं कौन यही होगा शायद आप लोग कौन हैं हम गटरिये हैं अपने मवेशी चरा रहे थे कि हमें लेकिन इतनी सर्द रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं आप बताइए यहाँ कोई बालक का जन्म हुआ है लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं डरिए नहीं हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं हाँ ओ इसीलिए तारा यहीं रुक गया अभी कुछ ही समय पहले लेकिन आपको ये सब कैसे पता हमने इस बालक के रोने की आवाज सुनी इतनी दूर तभी एक अनोखा
तारा दिखाई दिया। एक देवदूत ने संदेश दिया तो हम चले आए, माफ कीजिए हम यूं ही चले आए, पर आप कौन हैं? यहां कैसे? मैं योसेफ हूं। राजा के फरमान से जनगणना हो रही है, हम लोग भी उसी काम से यहाँ आए हैं। लेकिन अचानक मेरी पत्नी को पीड़ा होने लगी। हमने बहुत खोजा कि कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए, लेकिन चारों तरफ जनगणना की कतारें ही कतारें लगी हुई थी, इसलिए हम जगह की तलाश में यहाँ आ पहुंचे। ओ बेचारा, देखो देखो, अरे अरे, यहाँ तो बहुत ठंड है, तुम जाकर इनके लिए दूध ले आओ। अरे सुनो, एक दो कंबल भी लेते आना। जरूर जरूर। बस बस आज की रात आप निकाल लीजिए, कल सुबह ही आपको हम अपने घर ले चलेंगे। चिंता मत करिएगा, हम पास में ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तारा हमें कहां तक ले जाएगा? जब तक वो रुक नहीं जाता। नहीं श्रीमान, जब तक वो हमें मसीहा तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ो, देखो देखो सूरज भी डूबते जा रहा है। आज की रात हम कहां रुकेंगे? वो देखिए, वाह, ईश्वर हमारे साथ है। ओ, ऊंट को लेके आओ। इतने तो सफर किए लेकिन कोई भी मुसीबत नहीं आई, है ना? कितने दिनों से यात्रा कर रहे हैं हम, फिर भी हम थके नहीं। रुकिए, आप लोग कौन हैं? हम दूर देश से आए हैं और एक तारा हमें यहाँ तक ले आया। एक तारा? आज शाम हमें यहाँ ही ठहरना है। ये ले जाकर राजा को दीजिए, वो समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज। कहिए कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? महाराज प्रणाम, आपके देश में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। जो राजाओं का राजा है। वो आगे जाकर सबका मसीहा बनेगा। सच्ची?
जिसका इंतजार सदियों से दुनिया कर रही थी। क्या क्या राजाओं का राजा? हाँ मसीहा। हाँ तो मेरे देश में? हाँ महाराज, उस दिव्य तारा का अनुसरण करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। दिव्य तारा? हाँ हाँ। क्या मतलब? जब हम चलते हैं वो चलते रहते हैं, जब हम रुकते हैं वो रुक जाते हैं, इसीलिए वो अनोखे हैं। महाराज अभी भी वो ऊपर रुक गए हैं, बाकी तारों से वो अलग ही है। जी हाँ, और अनोखा भी है। असंभव। जी नहीं महाराज, आप यकीन तो कीजिए, कुछ तो इस देश में अनोखा हुआ ही है और होने का बाकी है। धर्म ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। धर्म ग्रंथ में? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मानो या न मानो महाराज, किंतु यह सत्य है। जाओ राज पुरोहित को बुला कर लाओ। मेरे राज्य में दूसरा राजा? प्रणाम महाराज। पुरोहित जी प्रणाम, आइए। बहुत समय बाद याद किया महाराज, क्या कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया है? हाँ, मुझे धर्म ग्रंथ की कुछ जानकारी चाहिए। क्या धर्म और धार्मिकता के बारे में आपकी रुचि? हाँ पुरोहित जी, आपने किसी अनोखे दिव्य तारे को देखा? नहीं सुना महाराज, अभी तक तो नहीं। ये प्रश्न क्यों महाराज? ठीक है छोड़िए उसे। धर्म ग्रंथ में हमारे राज्य में क्या किसी और राजा के जन्म का उल्लेख है? राजा का जन्म? मतलब किसी मसीहे का? मसीहा का? मैं देखता हूं। हाँ महाराज, ये तो सही। इसका मतलब मेरा राज्य उसका राज हो जाएगा, वो मुझ पर कब्जा कर लेगा। महाराज माफ कीजिएगा, ये तो सदियों पुरानी बात है। पर तुम्हारे लोग तो अभी भी इन बातों पर विश्वास रखते हैं। हाँ कुछ लोग विश्वास रखते हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता। हम आज हैं कल नहीं, और जीवन इतना ही, इससे ज्यादा क्या। एक ही जीवन, उसे भरपूर जियो, बाकी सब फिजूल है। जो ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं वो मूर्ख है। क्या इन पुराने ग्रंथों में किसी मुक्तिदाता का क्या नाम दिया है उसे? क्रिस्ट। हाँ मैंने कभी सुना था, उसके जन्म के बारे में कुछ जानकारी है? कब और कहां होना है ख्रीस्त? माफ कीजिए महाराज, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं महाराज। ठीक है छोड़ो, क्या आप पता करेंगे? जी ठीक है, मुझे बाद में बताइएगा। हाँ महाराज। अब आप जा सकते हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, प्रातः होने के पहले ही हम यहां से चले जाएंगे। ठीक है तो आप लोग विश्राम कीजिए, जब आप वहां से वापस लौटें तो मुझे बताइए, ताकि मैं भी उस राजाओं के राजा का नमन कर सकूं। वो तारा कब से हमारे आगे आगे चल रहा है? वो जा रहा है। देखो वही तारा फिर से।
देखो यह वही घर होना चाहिए क्योंकि वह रुक गया। हाँ वही वही तारा। कौन ये लोग? कौन है ये? कौन है लोग? आप लोग डरिए नहीं। प्रणाम। ईश्वर आपकी रक्षा करे। मरिया ये लोग पूर्व के विद्वान लोग हैं। आपने उस बालक की आंखों की ज्योति देखी? हाँ हाँ यही ज्योति है जो तारा बनकर हमें मार्ग दिखा रही थी। वाह सचमुच क्या भगवान की लीला। शायद इन मासूम आंखों की निष्कलंक ज्योति आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में मार्ग दिखाएगी। लेकिन मेरा मन कह रहा है अगर हमने इस बालक के बारे में राजा को बताया तो वो उसे खत्म कर देगा। हाँ हाँ जी मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। मेरे विचार से तो हमें दूसरे मार्ग से जाना चाहिए। जी जी हाँ लोग आपको धोखा देकर दूसरे रास्ते से चले गए। क्या जीवन में मैंने कभी किसी से धोखा नहीं खाया। पहली बार धोखा महाधोखा ये नहीं हो सकता। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पाताल से भी उसे ढूंढ निकालूंगा। ये राजा क्या है? हमारे देश में जन्मे 2 साल और उससे कम उम्र के बालकों का गर्दन काटकर वध कर दिया। पर महाराज वो बालक तो कुछ ही दिन का है तो इतनों का खून क्यों? केवल उसी को ही ढूंढ कर मरवा दे? इतने मासूमों का खून? खामोश। ये हिरोद महाराज की आज्ञा है। मेरे सिवा और कोई राजा नहीं बन सकता। मैं किसी मसीहा को भी अपना सिंहासन नहीं दूंगा। रहने दो खून की नदियां। खून की नदियां। खून की नदियां। मुझे क्या? योसेफ योसेफ उठिए योसेफ उठिए योसेफ। राजा ने बालक को मरवा डालने का आदेश दिया है। बालक और उसकी माता को लेकर दूसरे देश चले जाइए। मेरे बताने तक वहीं रहिए। मरिया मरिया उठो। हमारे मुन्ने को राजा से खतरा है। क्यों? अभी सवाल मत करो। तुम जल्दी से मुन्ने को गर्म कपड़े पहनाओ और यह पोटली बांधो। मैं घर के मालिक को बता के आता हूँ। चले मरिया चलो। आप लोगों की मेहरबानी। ओ भगवान प्रभु सब ठीक करेगा। प्रभु सब ठीक करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चले चलो। आप अपना ख्याल रखना। प्रभु सब ठीक करेगा। मरिया यहां कोई है? कोई सिपाही हुआ तो? कौन?
कौन? ये लोग कौन होंगे भगवान? मुझे मत कौन मारना। आप लोग कौन हैं? हम छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। आवाज मत करना, आ जाओ। मेरे मुन्ने को कुछ हो ना जाए। नहीं होगा।